हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी कोर्स का यूरेका प्लस में से जो लास्ट टॉपिक है वो है सेप्रोफाइट्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सेप्रोफाइट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन खराब चीज़ों से। मतलब सेप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। जो चीज़ ख़राब जाती है उसमें से सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब जो फंगा है ये एक टाइप का सेप्रोफाइट है, बट ये प्लांट नहीं है। ये ऐसी चीज़ों पे ग्रो होता है जो ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड, ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, पिकल्स में मतलब अचार में एंड लेदर में फंगस लग जाते हैं। तो ये फंगस है, ये जो चीज़ गीली जगह होती है या जहाँ पे वो कंडीशन हो जाती है तो वो फंगस है वो ग्रो हो जाते हैं वहाँ पे। और ये ऑप्टेन कैसे करते हैं न्यूट्रिशन, तो ये क्या करते हैं एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। अब जिस मान लो ब्रेड है, ब्रेड पे अब फंगस लगा तो क्या करेगा, वहाँ पे एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा। अब उस ब्रेड का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो कन्वर्ट करेगा सिंपल सब्सटेंस में। अब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाता है। अब सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया तो ये फंगस क्या करते हैं उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। जो मोनोट्रोपा है ये एक टाइप का फंगा है बट ये प्लांट है। अब जो फंगस है जो सॉइल में रहते हैं, जो फंगस, ये तो बात हुई कि कोई ख़राब चीज़ हुई उस पर ही फंगस लग गया तो उन्होंने कैसे ऑप्टेन किया न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किया एंड देन वो डाइजेस्ट उस ऑर्गेनिक मैटर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ एंड देन फिर उन्होंने उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिशन ऑप्टेन किया। अब जो फंगस सॉइल में रहते हैं वो कैसे ऑप्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, तो क्या होता है कि जब वो सॉइल में रहते हैं तो किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे फीड करते हैं, जो ख़राब प्लांट्स हो जाते हैं या एनिमल्स हैं उन पे ये फीड करते हैं। अब ये उस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ सॉल्यूशन सिक्रेट होता है, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं। अगर वो जो सब्सटेंस है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वाटर सोल्यूबल होता है। तो जब रूट्स होते हैं प्लांट्स के, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो साथ साथ वो न्यूट्रिशन भी क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम जो है वो भी एक टाइप का फंगस ही है। अब आते हैं लिचन। अब लिचन क्या है, ये पानी में ग्रो होने वाला एक प्लांट है। अब ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसमें दो या थ्री टाइप के डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब ये तीन टाइप के, दो या तीन टाइप के उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं। जो फर्स्ट है उसमें उसमें है फंगा एंड दूसरा जो है उसमें है एल्गे। अब जो एल्गे है उसमें क्लोरोफिल है एंड एल्गे क्या करता है वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेता है। और वो क्या करता है खुद फूड प्रिपेयर करने के बाद वो फंगस के साथ शेयर करता है और बदले में फंगस क्या करते हैं उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, किसको, एल्गे को। तो मतलब एल्गे और फंगस क्या करते हैं आपस में उनके बीच में रिलेशनशिप है, मतलब वो आपस में शेयरिंग करते हैं। फंगस उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गे को और एल्गे रिटर्न में उसको क्या देता है फूड प्रिपेयर करके देता है, क्योंकि एल्गे के पास क्या है क्लोरोफिल है, फंगस के पास में नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऐसा रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिसमें दोनों का ही बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे फंगस और एल्गे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। एल्गे फूड बना सकता है, उसका क्लोरोफिल है बट वो उसके पास कुछ मिनरल्स नहीं है तो फंगस उसको क्या करता है मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता है। एंड फंगस के पास मिनरल्स हैं वाटर है, अब उसको फूड बनाना नहीं आता तो वो जो एल्गे है वो उन्हें क्या करते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। और जो थर्ड है, मैंने कहा था कि जो लिचन है उसमें दो या थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो थर्ड टाइप है वो है फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरियम। तो इतनी सी बात है कि लिचन जो है वो थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। फर्स्ट है उसमें फंगस, सेकेंड है एल्गे एंड थर्ड है फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स वो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।